हमारा मुद्दा विकास रहेगा, दिल्ली का पूर्ण विकास। और दिल्ली में आज केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भक्कम स्थिर सरकार है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता है, लेकिन एमसीडी के विकास कामों का गला आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटा, गला घोटने का काम किया। 9000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो एमसीडी को मिलने चाहिए थे नहीं दिए 5 साल में, और इसलिए दिल्ली में अनेक दिक्कतें जो तैयार हुई उसका कारण भी वो है कि एक गला घोटने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। आज लोगों को दिल्ली के आश्चर्य लगता है, बोलते हैं कि 4.5 साल तो सोए, आखिरी 6 महीने में जाग गए। पहले 4.5 साल कहते थे कि मोदी काम नहीं करने दे रहा है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो अब 6 महीने में कैसे देने लगे? ये बहाना था काम करने नहीं दे रहे, आपको काम करने की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए आपने कुछ किया नहीं। आखिरी 6 महीने में भुलावे की राजनीति करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है जो सफल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का एक दूसरा स्वभाव है, काम करे कोई टोपी पहने कोई। आपके सबके घरों में डेंगू न हो इसलिए फॉगिंग किसने किया? एमसीडी ने। लोगों का प्रशिक्षण किसने किया कि कैसे लार्वा न हो, इसके लोगों को सिखाया एमसीडी ने। फिर भी जिनके घर में लार्वा मिला उनका चालान काटा एमसीडी ने, और इसका परिणाम हुआ कि डेंगू कम हुआ। अब देखने वाली बात है, जब कॉरपोरेशन का चुनाव था तो एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल ये कहते थे कि बीजेपी को चुनो मत, डेंगू फैलेगा। अब बीजेपी को लोगों ने चुना, डेंगू खत्म हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट ये दे रहे, काम किया एमसीडी ने, काम करे कोई टोपी पहने कोई, ये इनकी नीति है। प्रदूषण, मैं ही पर्यावरण मंत्री हूं, केंद्र सरकार ने काम किए उसमें दिल्ली सरकार ने रोड़े डाले। आज प्रदूषण में जो भी थोड़ा स्थिति में सुधार हुआ वो ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे, BS6 का फ्यूल सब जगह, कल कारखाने ईट भट्टे, उनसे प्रदूषण कम करने के लिए उपाय करना, इन सब कारणों से। और आज वेस्ट टू एनर्जी भी तैयार हो रही है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किए, उस सब के कारण प्रदूषण में स्थिति में थोड़ा सुधार आया। अभी भी चैलेंजेस है, पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलती थी उसमें भी थोड़ी कमी आई, और उसके लिए 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। दिल्ली सरकार ने मेट्रो के 4th फेज की फाइल दबाकर रखी, और ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे का पैसा नहीं दिया।